सभी का स्वागत है। मैं संगीता भटेजा आज आपकी डिमांड को फुलफिल करते हुए आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की बर्फी। मूंग दाल के हलवे को मैं आपके साथ प्रीमिक्स के साथ कैसे बनाया जाता है ये पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ वो आपको पसंद आया होगा। आप इस बर्फी को भी बना के देखिए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रोलिंग स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। मूंग दाल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कटोरी मूंग दाल प्रीमिक्स। ये मूंग दाल प्रीमिक्स मैंने कैसे बनाया है इसको मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। इसी कटोरी से मीजर करके मैंने ये 3 कटोरी प्रीमिक्स लिया है। 3 कटोरी ही चीनी ली है, आधी कटोरी मावा यानी कि खोया लिया है। खोए का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। 3/4 कटोरी घी। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हमने 3 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी लेना है, यानी कि 2:1 का रेशो लेना है। जितनी आप चीनी लेंगे उससे आधा हम पानी लेंगे। चीनी और पानी को हमने चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। हम इसकी 3 तार की चाशनी बनाएंगे। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हमने इसको लगातार चलाना है। ये चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है लेकिन अभी भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, फिर हम इस चाशनी को चेक करेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए स्पून में चाशनी को थोड़ा ठंडा करेंगे और थंब और फिंगर में इसे लेंगे। इसे हमने इस तरीके से देखना, आप देख रहे होंगे ये 1 तार बन रहा है लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। सेकंड स्टेज पे ये 3 तार की चाशनी हो जाएगी, हमें इसके लिए 3 तार की चाशनी ही चाहिए। इसे पकते हुए 2 मिनट और हो गए हैं, हम फिर से इसे चेक करेंगे। स्पून से हमने थोड़ा ठंडा करके लेना है। ये देखिए आप, नीचे एक गोली बन रही है और ऊपर तार पूरा खिंच रहा है। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, इसे 3 तार की चाशनी कहा जाता है। तार जो है वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए और लंबा खिंचना चाहिए, साथ ही नीचे एक बॉल बननी चाहिए थंब पे। इस चाशनी को हम हटा देंगे। आधी कटोरी में से भी कुछ घी को बचा के रखना है, साथ ही हम इसमें मूंग दाल प्रीमिक्स को डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये प्रीमिक्स बना हुआ रहता है तो हमें दाल की बर्फी, दाल के लड्डू या फिर हलवा बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। इस प्रीमिक्स को हम 1 महीने से 1.5 महीने तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। यानी कि जो दाल को घंटों भूनने का समय लगता है वो भी बचता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। हमने इसे भी 2 ही मिनट तक पकाना है, ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी दाल जो है पूरी तरह से ये कुक है। ये दाल का जो प्रीमिक्स है गरम हो गया है, अब हम इसमें मावा को ऐड करेंगे। प्रीमिक्स से बर्फी बनाने में हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में हमारा चाशनी जो है वो बनके तैयार हो जाती है, उसके बाद 2 मिनट का ये प्रोसेस रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण फूल गया है, इसे हम आधे मिनट के लिए और भूनेंगे। हमने ये काम तेज आंच पे ही करना है, तेज आंच पे ही हमने चाशनी बनाई है, तेज आंच पे ही हम ये काम कर रहे हैं।
अब गैस को मैं कम कर रही हूँ। ये मावा भी अच्छे से भून गया है, अब हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे। हमने जो चाशनी बनाई है उसे इसमें ऐड करेंगे। गैस अभी भी बंद है, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और चाशनी को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए हमने इसको और पकाना है। जो घी हमने बचा रखा था उसी में ब्रश को डिप करके जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने इसे जमाना है उसे ग्रीस करेंगे। मैं यहाँ थाली में इसे जमा रही हूँ तो थाली को ग्रीस करेंगे हम। एक मिनट हो गया है, गैस को बंद कर देंगे। और इसे जमाने के लिए जिसे भी आपने ग्रीस किया है उस पर डालेंगे। फ्रेंड्स अब इसे बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। 2 से 3 घंटे में ये सेट होने में लगाएगी, तब आप चाहें तो इस पे चांदी की वर्क या फिर ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं। जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए, सेटल हो जाए, तब हम इसके पीसेस को कट करेंगे। फ्रेंड्स ये बर्फी हमारी सेटल हो गई है, मैंने इसको कट कर लिया है। अब थोड़ा हम इसको हीट करेंगे ताकि ये जो बर्फी के पीसेस है इसे हम आसानी से छुटा सकें। जब आप इसे थोड़ा गर्म कर लेते हैं तो बर्फी के जो पीसेस है वो बहुत जल्दी निकल आते हैं। इसे हमने ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही, थाली जो है हल्की गर्म हो जाए बस इतना ही गर्म करना है ताकि पीसेस हम निकाल लें आसानी से। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मूंग दाल प्रीमिक्स से बनी हुई मूंग दाल बर्फी, जो कि बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनाई गई है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।